वो कौन था जो ईरान में इनकलाब लाया, वो कौन था जिसने 2500 साल पुरानी फारस बादशाहत को उखाड़ फेंका, वो कौन था जो ईरान के लोगों के लिए उनका मर्जा बना, वो कौन था जिसने ईरान में इस्लामी निज़ाम को फ़रोग दिया। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ईरानी इनकलाब के बानी सैयद रूहुल्लाह मूसवी खुमैनी के बारे में। सैयद रूहुल्लाह मूसवी खुमैनी 1902 में खुमियान में पैदा हुए। आप 5 साल के थे जब आपके वालिद को कत्ल कर दिया गया। आपकी परवरिश आपकी वालदा ने की और आप बचपन से ही कुरान और फारसी ज़बान की तालीम हासिल करने लग गए। आपने अपनी तालीम ईरान के एक मशहूर शहर कुम के मदरसा दारुल शफा से हासिल की, जो एक मरकज समझा जाता है शिया इल्म हासिल करने के लिए। शरिया इस्लाम और फिका में अबूर हासिल होने की वजह से इमाम खुमैनी को कुम में ख़ास मकाम हासिल था। इमाम खुमैनी को इसके साथ साथ शायरी और फिलॉसफी का भी शौक़ था। दिलचस्प बात यह है कि आपने करीबन 40 से ज़ायद किताबें लिखीं, लेकिन आपकी वजह मकबूलियत सियासत बनी। आप अपनी दीनी मजलिसों में इस बात पर जोर देते थे कि हमें ईरान को बचाना चाहिए और इस मोहम्मद रज़ा पहलवी यानी शाह ऑफ ईरान की हुकूमत को ख़त्म करना चाहिए। इमाम खुमैनी नजफ और कुम में लेक्चरार के तौर पर फ़राइज़ अंजाम देते थे, जहां आपकी वजह मकबूलियत पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी को पढ़ाना और इस्लामी निज़ाम पर ज़ोर देना था। आप ईरान के लीडिंग स्कॉलर्स में से एक थे। आप शाह के ख़िलाफ़ थे। 1962 में जब शाह की गवर्नमेंट ने नए रिफॉर्म्स लाए, जिनमें वाइट रेवोल्यूशन, औरतों के वोट का हक, औरतों को पर्दे से रोकना और अमरीकी पर्सनल्स का ईरानी निज़ाम में मुदाखलत करना, ये तमाम चीज़ें आपके लिए नाकाबले बर्दाश्त थी। आपकी ये तमाम बातें लोगों को मुतासर करने लगी और इसी असना में आपको कैद कर लिया गया और उसके कुछ अरसे बाद आपको जिला वतन कर दिया गया। आपने 2 साल का अरसा तुर्की में गुजारा। इसके बाद आप इराक के शहर नजफ चले गए, जहां आपने अपनी दीनी खिदमात को जारी रखा। कहा जाता है कि इराक में रहकर भी आपका दिल ईरान में था। इराक से वापसी पर लोग आपकी तकरीरें ईरान ले जाया करते थे। कोई भी ऐसा कदम न था जो ईरान में अपोजिशन आपके हुक्म के बगैर उठाती। जिलावतनी के दौरान आपकी उम्र 60 बरस से ज़्यादा थी। आपके 7 बच्चे थे, 2 वफात पा चुके थे और आपके 15 पोते पोतियां थीं। आपने जिला वतनी में बहुत सख्त वक्त गुजारा। ईरान में बढ़ती हुई आवाम के दिलों में आपकी मोहब्बत से शाह की गवर्नमेंट और ईरान की एजेंसियां परेशान थीं। वो चाहती थी कि किसी तरह आपको रोका जाए। चुनाचे 1978 में सद्दाम हुसैन ने शाह के कहने पर आपको मुल्क से निकाल दिया। इसके बाद आप फ्रांस चले गए। वहां जाकर आपकी आवाज़ और बुलंद हो गई। ईरान से हंगामे शुरू हो गए। सब लोग जो एक दूसरे के दस्तों ग्रेबां हुआ करते थे, इस इनकलाबी मूवमेंट के नीचे इकट्ठे हो गए। तेहरान में मुजाहरे होने लगे। पूरा ईरान शाह के खिलाफ सड़कों पर निकल आया। तंग आकर शाह 1999 में मुल्क से भाग निकला। पंद्रह साल की जिलावतनी के बाद इमाम खुमैनी 1 फरवरी 1999 में ईरान पहुँचे। लाखों लोग आपके इस्तकबाल के लिए जमा थे। 2500 साल पुरानी इस पहलवी ख़ानदान की बादशाहत का ख़ात्मा हुआ। आपके नज़रिए के मुताबिक नया आईन लिखा गया। आपका कहना था, कोई कानून ऐसा नहीं जो अल्लाह के कानून से बड़ा हो। आप आईन के मुताबिक ईरान के पहले सुप्रीम लीडर बने, जो आवाम की आवाज़ थी। आप बहुत ही सख्त मिजाज इंसान थे। जब अमेरिका ने शाह को सपोर्ट किया,
उसे अमेरिका में रहने की इजाज़त दी तो गुस्से में आकर ईरानी लोगों ने अमेरिकी एम्बेसी को नुकसान पहुंचाया। तमाम अमेरिकी लोगों को कैद कर लिया गया जो करीबन 400 से ज़ायद थे। इसी बुनियाद पर ईरान पर अमेरिका की तरफ से खासी पाबंदियाँ लगाई गईं। तमाम ईरानी गवर्नमेंट के लोग आज भी इस बात पर मुत्तफिक हैं और ये बात कहते हैं कि ये गलत कदम था जो ईरान के मफाद में नहीं था। लेकिन ईरानी सुप्रीम लीडर के आगे उस वक़्त किसी की बोलने की जुर्रत नहीं थी। अभी ईरान के इनकलाब को 2 साल भी नहीं गुजरे थे कि सद्दाम हुसैन ने अमेरिका की मदद से ईरान की सरहदों पर हमला कर दिया। ईरान और इराक में जंग छिड़ गई। सद्दाम हुसैन को ना सिर्फ अमेरिका बल्कि सऊदी हुकूमत से भी मदद हासिल थी। इमाम खुमैनी ने भी जंग का ऐलान कर दिया। पूरा ईरान उनकी एक आवाज़ पर खड़ा था। तकरीबन 8 साल तक जारी रहने वाली इस जंग में बज़ाहिर कोई ना जीता, लेकिन इस जंग ने तकरीबन 10 लाख लोगों की जानें ली। दोनों इस्लामी ममालिक को इस जंग ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया। आखिरकार अगस्त 1988 में दोनों मुल्कों में सीज़फायर का मुआयदा हुआ। इस वक्त इमाम खुमैनी की उम्र 80 साल से ज़ायद थी और वो दिल के मर्ज में मुब्तला थे। 1 साल बाद जून 1989 में आपका इंतकाल हुआ। ये एक ऐसी खबर थी जिसने पूरे ईरान को धचका पहुंचाया। सब लोग खून के आंसू रोने लगे। लाखों लोग सड़कों पर निकल आए। उनका जनाजा आलमी मीडिया की तवज्जो का मरकज़ बना, क्योंकि ईरान में इनकलाब लाना, ईरान में इस्लामी निज़ाम को फ़रोग देना, ईरान को शाह के जुल्मों से बचाना सब आपके ही नाम से मंसूब है। به دست کم گره جام ها جوشی ندارد عشق آغوشی ندارد آیت الله خمینی نه صرف ایران کے لوگوں کے لیے بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے ایک نمونہ انسان ہے۔ آپ کی وفات کے بعد آج بھی پوری دنیا میں ان کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں، उनकी जिद्दोजहद से सबक सीखा जाता है। उनकी ज़िंदगी से हमें सबक मिलता है कि अगर जालिम कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अगर दिल में जज्बा ईमानी ज़िंदा है तो अल्लाह की मदद से किसी भी मुश्किल पर काबू पाया जा सकता है। मैं दौलत तयीन मिकुनम, मैं तो दहन इन दौलत मिजनम, मैं दौलत तयीन मिकुनम, मैं बफशबानी इन मिल्लत दौलत तयीन मिकुनम, من به واسطه اینکه ملت مرا قبول دارد۔ دوستو اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری اپڈیٹس ملتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔